तो पढ़ाई है ना, क्या आएगा? यस वी नो अ बिट मोर देन द लेडीज डू। इसको कैसे लिखेंगे? द लेडीज डू नॉट नो यूजिंग सलाइवा। अच्छा, इसको
इसमें डिलीट करना है आपको, चेंज द डिग्री. सॉरी आई फॉरगेट टू राइट राइट दिस वन, चेंज द डिग्री. Change the degree. So what you can write here? Using saliva, is not so sure method. Is not so sure method as this. Now, fourth one. What's fourth one? It is a task as difficult as walking on a razor's edge. Rewrite using more difficult. क्या इस समय आपको more difficult? So इसको कैसे लिखेंगे? Walking on a razor's edge is not more difficult than the task. Understood? Next क्या है? This is a much surer method than using saliva. डिग्री. सो हाउ यू विल राइट दिस वन? यूजिंग सलाइवा इज नॉट सो श्योर मेथड एज दिस. यूजिंग सलाइवा इज नॉट सो श्योर मेथड एज दिस. वंस अगेन आई होप यू आर एबल टू सी दिस. यूजिंग सलाइवा इज नॉट सो श्योर मेथड एज दिस. एंड सर क्या था? वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन द टास्क. क्लियर? नेक्स्ट. नाउ partial. तो क्या आएगा? Impartial.
sure. See, make negative of the following adjectives by adding a prefix. क्या ऐड करना है आप लोगों? Prefix ऐड करना है. prefix. Prefix. See, competent, incompetent. Competent का क्या हो जाएगा? आपको क्या बनाना है? यहाँ पे already कहा गया है. Make negative of the following adjective. जो adjective है उसका negative बनाना है by adding prefix. और prefix ऐड करना है. और क्या क्या करना है आपको? उसे नेगेटिव बनाना है तो प्रीफिक्स और एक वो नेगेटिव बनाना है. सो कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट डिग्निफाइड अनडिग्निफाइड लॉजिकल इलॉजिकल इलॉजिकल प्लेजेंट अनप्लेजेंट पार्शियल इम्पार्शियल गेटिंग इट वंस अगेन कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट डिग्निफाइड अनडिग्निफाइड लॉजिकल इलॉजिकल प्लेजेंट अनप्लेजेंट पार्शियल इम्पार्शियल क्लियर. कॉम्पिटेंट का क्या हो जाएगा? इनकॉम्पिटेंट. डिग्निफाइड का अनडिग्निफाइड लॉजिकल इलॉजिकल प्लेजेंट अनप्लेजेंट पार्शियल इम्पार्शियल. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग देन आई राइट नेक्स्ट कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट डिग्निफाइड अनडिग्निफाइड लॉजिकल इलॉजिकल प्लेजेंट अनप्लेजेंट पार्शियल इम्पार्शियल. सिक्स वन नाउ ओके सिक्स यूज किया राइट सो इलिटरेट दिस इज अनकंफर्टेबल. व्हाट प्रीफिक्स
material is thick. Okay, reverent का क्या होगा? Irreverent. IR prefix add करोगे वो क्या है? IR. Okay, and materialistic का क्या हो जाएगा? Immaterialistic. क्या होगा? Immaterialistic. So I double M A T E R I A L materialist. I S thick. T I C. Understood? So reverent का irreverent and materialistic का immaterialistic, या फिर आप लिख सकते हो spiritual. So not required right? This much only. Immaterialistic. So reverent, irreverent, materialistic, immaterialistic. Materialistic की spelling आप बस बोलिए M A T E R I A L. Material लिखते हो. List मतलब I S होगा. Tick मतलब T I C. और याद रखना जब भी आप antonym synonym देते हैं, antonyms में हमेशा जैसे suppose fold लिखा है तो आप opposite में cross करते हो ना. While you people forget in your writing fold and then giving this hyphen there, that's wrong. Okay?